टीकमगढ़ में लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि पिछले कई महीनों से स्कूल बंद होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, सरकार उनकी मदद करे ताकि वे अपना परिवार चला सकें। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश खरे ने बताया कि शिक्षा विभाग ने 2 साल का आरटीआई भुगतान नहीं किया है। लगभग 9 महीने से स्कूल बंद होने से कई स्कूल संचालकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और कई लोगों ने इसके चलते आत्महत्या कर ली है। हमारी मुख्य मांग है कि सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को एक आर्थिक पैकेज दिया जाए, आरटीआई का भुगतान तुरंत हो, साथ ही सरकारी स्कूलों में बिना पीसी एडमिशन नहीं दिया जाए। यदि शासन प्रशासन उनकी मांग नहीं मानता है तो भोपाल में सभी संचालक मुख्यमंत्री बंगले का घेराव करेंगे। इस आर्थिक संकट के समय जो प्राइवेट स्कूल बंद हैं, तो कई स्कूल इस स्थिति में हैं कि वो अपने बिल्डिंग का किराया नहीं दे पा रहे हैं, अपने स्टाफ का वेतन नहीं दे पा रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। और इस समय भी प्रशासन को बार बार ज्ञापन देने के बाद भी हम लोगों का आईटी भुगतान है 2 साल विलंब से किया जा रहा है, वो भी अभी नहीं हुआ है, 2018-19 का भी नहीं हुआ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।